जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट जून 2023। मेन लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और जल तत्व लगन है। इस लगन की जातक अथवा जातिकाएं में द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण जो ड्वेल नेचर पाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोहरा गुण इनके अंतर्गत होता है, ये सभी को कहीं ना कहीं खुश करने में लगे रहते हैं, दोनों तरफ ही चलने का प्रयास करते हैं, दोनों पार्टी कह सकते हैं, दोनों तरफ से सभी व्यक्तियों को खुश करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी आ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। विशेषतः जल तत्व लगन है, इमोशंस भावनाएं काफ़ी अधिक पाई जाती हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी इन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है, बहुत विश्वास के बंदे होते हैं और हमेशा सभी का भला करना चाहते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है। और साथ ही यहाँ पर एक मुक्ति की बात, ये हमेशा कहीं ना कहीं मुक्ति की बात करते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर काम आ जाए या जिस काम में ज़्यादा उलझ जाएं तो उसके बाद तुरंत ये चाहते हैं, मतलब मुक्त होना हमेशा चाहते हैं, मुक्ति की कामना हमेशा करते हैं। हर एक स्थिति के अंतर्गत हर एक कार्य करने के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काम खत्म हो गया, चलिए मुक्त हो गए, निपट गए इससे, तो ये एक स्थिति भी ये व्यक्ति में बनती रहती है। अब देखिए यहाँ पर ये ड्वेलिटी का अंतर्गत यहाँ पर क्योंकि गुरु की राशि भी है और शुक्र इसमें उच्च के भी होते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही प्रभाव व्यक्ति में भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण भी बना रहता है, साथ ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी व्यक्ति में, मुक्ति की भावना भी व्यक्ति में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश गुरु और कर्म भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं, जो कि धन भाव में बुध और राहु के साथ गोचर 7 जून तक बुध के साथ भी गोचर करने वाले हैं। विशेषतः लग्नेश की धन भाव में स्थिति अच्छी है, लेकिन राहु केतु और शनि के प्रभाव से वो पाप प्रभाव के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर मैलेफिक इम्पैक्ट ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा पीड़ित अवस्था में कह सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये है कि लगन के मार्ग लग्नेश जो गुरु भी पीड़ित अवस्था में है और साथ ही साथ शनि और राहु के द्वारा पाप कर्तरी का भी निर्माण हो रहा है। विशेषतः इस पाप कर्तरी के अंतर्गत शांति का जो भाव आएगा वो 17 जून से आएगा, क्योंकि 17 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से अभी तक मार्गी अवस्था में थे तो 11 नंबर से 12 नंबर की ओर अगर सर एक तरीके से देखा जाए, लेकिन वक्री में कहीं ना कहीं पीछे की ओर उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण पाप कर्तरी में तो रहेंगे लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा कम कह सकते हैं, थोड़े प्रभाव में कमी 17 जून के बाद आती हुई दिखाई देगी। विशेषतः ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना है कि आपके साथ कौन से लोग जीवन में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, इस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है ये बात तो सत्य है कि इस ये जो समय चल रहा है कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों से जोड़ सकता है जिनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है कोई व्यक्ति फॉरनर हो, विदेशी हो, या कहीं ना कहीं दूर देश प्रदेश की ऐसी सभ्यता से आए हों जो आपकी सभ्यता से बहुत अधिक डिफरेंट है, अलग है, ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। साथ ही ये बात का भी ध्यान रखना है कि गुरु के ऊपर और बुध के ऊपर दोनों के ऊपर राहु का प्रभाव ये कहीं ना कहीं निर्णय लेने की शक्ति को आपको लालच दे सकता है, गलत चीज़ों में फंसा सकता है। ये सारी स्थिति अभी चल रही है, खासकर अभी जब तक बुध पर प्रभाव है तब तक तो आपको बहुत केयरफुल रहना है 7 जून तक विशेषतः, क्योंकि बुध के ऊपर गुरु के ऊपर दोनों के ऊपर राहु शनि का जो प्रभाव चल रहा है ये आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, आप गलत बातें बोल सकते हैं, गलत निर्णय आप ले सकते हैं, तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः एक और स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि इस माह के अंतर्गत खास बात ये भी है कि अब मंगल नीच राशि के अंतर्गत, जैसे कि 10 मई से ही चल रहे हैं, तो विशेषतः मंगल का नीच राशि का प्रभाव इस माह में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। तो इस माह के अंतर्गत ये देखेंगे पूरे माह मंगल नीच राशि में है और मंगल कहाँ के राहु जस भाव में है, राहु द्वितीय भाव में, वहाँ के डिस्पोजिटर बनकर, इस भाव के स्वामी बनकर वो नीच में राशि में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि राहु इस माह के अंतर्गत अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा, विशेषतः आप उस प्रभाव को कम करेंगे क्योंकि गुरु वहीं पर बैठे हैं कह सकते हैं, लेकिन राहु इस माह के अंदर ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। क्या प्रभाव दिखाएगा? विशेषतः यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है अपने परिवार को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, विशेषतः कौन सी फैमिली, जो कुटुंब है आपका, खानदान है, कुंभा है जिसे कहते हैं, ताऊ चाचा वगैरह सारे जहाँ पर एक साथ हैं वहाँ उनको लेकर विशेषतः
आप वहाँ पर क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं आपस में कुछ मतभेद, कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाना, जिसके कारण लड़ाई झगड़े की स्थिति, ये संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। विशेषतः आपसी तनाव की स्थिति, परिवार को तोड़ने का कार्य यहाँ पर ही हो सकता है, तो ये एक संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं, क्योंकि विवाह संचित धन का भी है, तो संचित धन को लेकर परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी, ये या मुख संबंधित परेशानी, ये भी दिक्कत आपको यहाँ पर हो सकती है। और विशेषतः यहाँ पर जैसा कि हम बता रहे हैं कि संचित धन, अब संचित धन के अंतर्गत भी, क्योंकि यहाँ पर धन भाव में लग्नेश गया है, तो धन कमाने पर तो ध्यान जाएगा, गलत तरीके से धन कमा सकते हो, गलत तरीके से भी कमा सकते हो, या विदेशी लोगों के साथ जुड़कर भी कमा सकते हो, वो अच्छा भी हो सकता है विदेशियों के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर आप, हो सकता है कि विदेश वगैरह से ना जुड़े हो, तो हो सकता है गलत तरीके से भी कमाने की मंशा आप रखें इस समय के अंतर्गत, तो ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती है। या फिर ऑनलाइन काम करके भी आप धन कमा सकते हैं, इस तरीके का काम करने का विचार भी आप कर सकते हैं। कर्म भाव का स्वामी धन भाव में गया, विशेषतः अपने भाव को देखेगा भाग्य की दृष्टि से, तो क्या रहेगा कि काम भी बनेंगे, लेकिन क्योंकि राहु केतु और शनि के प्रभाव में है, तो सारे काम अड़चने और बाधाओं के साथ बन रहे हैं। अब इस माह में भी यही देखने को आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं काम तो बन रहे हैं, बनेंगे भी, लेकिन अड़चन बाधाएं काफ़ी अधिक आपके जीवन के अंतर्गत आ रही है, आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि, नवी दृष्टि रहेगी भाग्य की दृष्टि कर्म भाव पर, तो आपको कार्यक्षेत्र में लाभ भाग्य का साथ भी मिलेगा, मतलब काम आपके बनेंगे अड़चने बाधाओं के बाद, ये कह सकते हैं। साथ ही साथ व्यापार भी आप आरंभ कर सकते हैं, खुद का काम भी आप कर सकते हैं, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। खासकर खुद का काम अगर आप करें तो जब बुध की स्थिति वृषभ में या मिथुन में हो जाए, तब जाकर, खासकर मिथुन में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, जो कि 24 जून से होगी। अभी हम आगे इसके बारे में भी बताएंगे। विशेषतः गुरु की पांचवी दृष्टि और शनि की दृष्टि षष्ठम भाव पर चल रहे, सिक्स्थ हाउस भी आपका एक्टिवेशन में, क्योंकि डबल ट्रांजिट आ रहा है यहाँ पे, गुरु और शनि दोनों का प्रभाव षष्ठम भाव पे आ रहा है। षष्ठम भाव रोग, रिपो, ऋण, झगड़े का है, प्रतियोगिता का है, कंपटीशन रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, मतलब अभी एक ऐसा समय चल रहा है कि अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, या फिर हो सकता है जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये समय ऐसा है कि अगर आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तो आपका इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो आपके आसानी से क्लियर हो सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। तो ये संभावना भी यहाँ पर अभी चल रही है, जो कि अच्छी संभावना है, तो इसके लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, या सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना खासकर 15 जून के बाद विशेष तौर पर देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर गुरु की सीधी दृष्टि भी रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो डायरेक्ट एस्पेक्ट भी रहेगी, और वहाँ पर अगर देखा जाए गुरु का राहु का दोनों का प्रभाव, थोड़ा सा यहाँ पर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आप अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे रिलेशनशिप के लिए वहाँ पर, क्योंकि अभी मंगल का भी प्रभाव आएगा, तो एफर्ट ज़्यादा लगाते हुए दिखाई देंगे, तब जाकर आपके संबंध वहाँ पर मधुर होंगे, तो वो एक प्रयास। और साथ ही आपको गुप्त विद्या का ज्ञान, गुप्त ज्ञान और रिसर्च में आपको सफलता मिलेगी, रिसर्च काम का, रिसर्च से रिलेटेड वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें गुरु के बाद शनि के प्रभाव को जान लेते हैं। शनि का जो प्रभाव है, क्योंकि शनि यहाँ पर एकादश भाव के, आपके लाभ इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं, और व्यायेश भी हैं, बारहवें घर के भी स्वामी हैं, बारहवें घर में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं वक्री प्रभाव में। विशेषतः वक्री होने का प्रभाव ये रहेगा कि 17 जून के बाद अब उन व्यक्तियों को भी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत शनिदेव वक्री हैं, उनको रिजल्ट जो रहेंगे परिणाम, वो ज़्यादा प्रभावशाली होकर मिलते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः यहाँ पर यह है कि आपको आपकी जो आय आएगी, विशेषतः वो बारहवें घर से आती हुई दिखाई देगी, अन्यथा आय आपकी व्यय में बदल जाएगी, मतलब पैसा का सारा लॉस में खर्चा हो जाएगा, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, वो संभावना रहेगी। यदि आप विदेशों से, विदेशी कंपनियों से, इंटरनेशनल कंपनियों से अगर आप जुड़े हुए हो, तो फिर आपके लिए बहुत सुप्रद, वहाँ से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, अच्छा खासा फायदा होगा, तो ये एक स्थिति यहाँ पर शनिदेव बता रहे हैं। विशेषतः शनिदेव बारहवें घर के अंतर्गत आपको खर्चा, गरीबों की सेवा, हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध, अब हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध यहाँ पर स्थिति निर्भर करती है, क्योंकि आपका लग्नेश, लगन लग्नेश दोनों पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, बारहवें घर में शनि भी चल रहे हैं, तो ये संभावनाएं बनती है कि आपके हॉस्पिटल इत्यादि में चक्कर लगते रहें, ये संभावना, या फिर अगर आप बारहवें से संबंधित अगर आपका रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को, हो सकता है अगर आप डॉक्टर ही हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा कि वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर्म आप करते हुए नजर आएंगे, तो वो संभावना यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। विदेशी कंपनियों के अंतर्गत वहाँ फ़ायदा रहेगा, आप अगर, हो सकता है कि आप मतलब कोई एनजीओ वगैरह चला रहे हैं, आश्रम से संबंधित कुछ कर्म कर रहे हैं, तो फिर ये समय आपके लिए यहाँ पर लाभप्रद भी सिद्ध होगा, तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो विशेषतः यहाँ पर यही है कि अगर आप कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लोगों की, या जो व्यक्ति समाज से दूर हैं, उन व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं, तो फिर आपकी
आय का बहुत सारा भाग आपका अच्छे कार्यों में लग जाएगा, अन्यथा वो कहीं ना कहीं बीमारी वगैरह में, किसी तरीके की दिक्कतों में, कोर्ट केसेस वगैरह में, इन चीज़ों में चला जाएगा, कहीं ना कहीं वो व्यर्थ होने की संभावना बहुत अधिक बनती है, नुकसान होने की संभावना बनती है। या फिर आप उसको किसी अच्छे काम के लिए इन्वेस्टमेंट में लगा दें, क्योंकि शनिदेव जैसे ग्रह बड़े ग्रह होते हैं और ये अगर 12वें घर में व्यय के भाव में चले जाएं तो जो भी करेंगे वो धीरे धीरे तो करेंगे लेकिन क्या है बड़े लेवल पर करने वाले हैं, ये बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। अब वहीं शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। विशेषतः इस समय में जो प्रभाव जो ज़्यादा चल रहा है आपके जीवन के अंतर्गत, वो आपकी वाणी, आपके मुख, आपके परिवार कुटुंब को लेकर, आपकी अगर जॉइंट फैमिली है, विशेषतः इस समय अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली ब्रेक होने का टाइम, या कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत परेशानी चल रही है, कहीं ना कहीं आप वहाँ एकजुट होकर चल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये एक स्थिति यहाँ पर बताती है। वहीं शनिदेव बताते हैं कि पराक्रम करिए तब जाकर आपको वहाँ पर सफलता हासिल होगी, नहीं तो शनिदेव 12वें घर में यहाँ पर अभी अकेलापन जैसी स्थिति को भी लेकर आते हैं। वहीं शनिदेव की दृष्टि सिस्टम वहाँ पर अच्छी है कि कहीं ना कहीं वो सारे शत्रु बाधा वगैरह को, इन सब चीज़ों को आपके खत्म करते हुए नजर आएंगे। अगर शत्रु आते हैं, बीमारी आती है, रोग आता है, तो कहीं ना कहीं उन पर आपको निजात दिलाएंगे। वैसे भी गुरु की भी दृष्टि है, तो यहाँ से संबंधित भी आपका मेन रोल प्ले होगा आपकी लाइफ के अंतर्गत, अगर दशांत दशा इस तरीके की मिल रही है। अगर आप किसी बड़े लेवल के कंपटीशन वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसे बड़े एग्ज़ाम जो दो दो साल में कंप्लीट हो रहे हैं, इस तरीके की मतलब उनका जो राउंड क्लियर होते हैं वो इतना टाइम अगर लग रहा है इस तरीके की उसमें है, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको लंबा समय मिल रहा है कि किसी तरीके का, किसी भी तरीके का कंपटीशन वगैरह आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे, तो यहाँ पर सफलता के भी योग अच्छे हैं उनसे संबंधित, तो ये कर्म करते रहिएगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। विशेषतः यहाँ पर पिता से संबंधित कर्म, गुरु से संबंधित कर्म में विशेष वृद्धि, या उच्च शिक्षा संबंधित कर्म में विशेष वृद्धि, और वो भी बाहर जाकर, फौरन जाकर, विदेश जाकर, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेषतः यहाँ पर भी शत्रु राशि है तो, और भाग्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव 12वें घर में तो थोड़ा तत्व की कमी हो जाती है शरीर में, तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। वैसे भी इस माह अभी जो अगर देखा जाए तो गुरु के साथ बुध और राहु ये जो द्वितीय भाव में चल रहे हैं, विशेषतः खान पान का, और द्वितीय भाव के स्वामी नीच अवस्था में, खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपका खान पान बिगड़ सकता है, बिगड़ने की संभावना है, आप एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब संभावनाएं बनती दिखेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो विशेष सावधान रह जाइए अपने खान पान को लेकर, ये बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं राहु केतु का प्रभाव अगर हम देखें तो राहु का प्रभाव द्वितीय भाव में और केतु का प्रभाव अष्टम भाव में, केतु के प्रभाव में अष्टम भाव के अंतर्गत ये गुप्त ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके लिए ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्या है ससुराल पक्ष से थोड़ा असंतोष की स्थिति बन सकती है, तो वो एक संभावना बनती हुई दिखाई देगी। वहीं केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि जो रहेगी अष्टम भाव के अंतर्गत जो केतु है, ये प्रभाव इस माह में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल का भी परस्पर संबंध बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं वाहन चलाने से थोड़ा दिक्कतें बन सकती है, थोड़ा दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस माह के अंतर्गत वाहन चलाते वक्त बड़ा सावधान होकर चलाइएगा, वहाँ पर परेशानी बन सकती है, क्योंकि केतु हेडलेस है, उसका सर नहीं है, और एक ऐसी स्थिति में आ जाना जब आपका दिमाग बिल्कुल काम ना करे, और वो ऐसी स्थिति में दिक्कत आ सकती है आपको वाहन चलाते वक्त, तो एक ऐसी परेशानी बन सकती है कि जब आपको कन्फ्यूज्ड हो जाए आप कि हो सकता है सामने से व्हीकल आ रहा है, कन्फ्यूज है किस तरीके से आपको आगे लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक परेशानी बन सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान, क्योंकि मंगल की दृष्टि है वो कहीं ना कहीं रक्त निकलवा सकती है, ब्लड निकल सकता है, वो एक संभावना बन सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। अब वहीं पर अगर हम देखें राहु का प्रभाव, जैसे कि हमने बताया कि बोलते वक्त वो सारी चीज़ें हमने बताई चुकी है, विशेषतः एक बात का और ध्यान रखना है, अभी हम सूर्य का प्रभाव देखें तो सूर्य का प्रभाव 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत सिक्स्थ लॉर्ड षष्ठम भाव के स्वामी बनकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तमेश और चतुर्थेश के साथ रहेंगे। विशेषतः ये समय रहेगा कि अगर आप पेपर रिलेटेड वर्क अगर आप कर रहे हैं तो पेपर रिलेटेड वर्क के अंतर्गत आपको, आप हो सकता है कुछ लेख लिख रहे हैं किसी को, तो वहाँ पर कुछ आप या कुछ कम्युनिकेट भी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसा कर सकते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति को थोड़ा आक्रोशित हो जाए, थोड़ा सा उसको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा लिख दिया, भड़काऊ लिख दिया जिसके कह सकते हैं, तो थोड़ा वो एक स्थिति इस माह के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर और अपनी राइटिंग पर अगर आप काम करते हैं, अगर आप इसी तरीके की फील्ड में जिससे आपको यही काम करके फ़ायदा होता है तो बात अलग है, तब तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो जाएगा, अन्यथा अगर सामान्य दृष्टि से अगर देखें तो वहाँ पर परेशानी बन सकती है, तो इस बात का ध्यान आपको
रखना है। विशेष छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, उनकी बातों को थोड़ा ज़्यादा मानना आपको पड़ेगा, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं इस माह के अंतर्गत अगर आप स्टूडेंट हैं और काफ़ी छोटी कक्षा के अंतर्गत हैं, या आपके बच्चे मेन लगन के हैं और छोटी कक्षा के अंतर्गत है, तो अगर आप इस समय में उनको सुलेख एक अच्छे लेखन लेख की ओर अगर आप लेके जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत प्रभावशाली विलेख या उनकी राइटिंग सुधरती हुई नज़र आएगी, तो वो एक अच्छी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर आप उस इस समय के अंतर्गत उनका लेख सुधरवाएँ तो ये बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं, जिसके कारण उनकी एक अच्छी राइटिंग हो सकती है, तो ये भी संभावना देखने को मिलेगी। अब इसके बाद सूर्य का जो प्रभाव आएगा, शिष्टेश बनकर चतुर्थ भाव में आएंगे, चतुर्थेश के साथ भी रहेंगे, तो सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव में यहाँ पर थोड़ा आपको आप मानसिक रूप से थोड़ा ज़्यादा चिंता तनाव की स्थिति में आ सकते हैं, ये एक स्थिति दिखने को मिलेगी। थोड़ा घर के अंतर्गत आप लीडरशिप दिखाने का प्रयास, मतलब थोड़ा सा वहाँ पर अपनी चलाते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर रहेगी कि नेतृत्व करने की क्षमता आप अपने घर के अंतर्गत ही दिखा रहे हैं, जिसके कारण घर के अंतर्गत थोड़ा कलह क्लेश की स्थिति बन रही है, झगड़े की स्थिति बन रही है, विशेषतः ये प्रॉपर्टी को लेकर भी होने की संभावना बनती है। अब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, एक अच्छी दृष्टि रहेगी यहाँ पर कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपका बॉस आप पर निगाहें बनाए रखे हुए होगा। 15 जून के बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, विशेषतः अगर आप देखें, क्योंकि लग्नेश की संगत वगैरह बिगड़ रही है, जैसे कि हम बता ही रहे हैं, गुरु के साथ राहु है, शनि का प्रभाव है, और इस माह इस समय के अंतर्गत अब आपके कार्य को कोई देख रहा है, हो सकता है अगर आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत लोगों के साथ हैं, तो यहाँ पर अब सरकार समाज की निगाहें, 15 जून के बाद एक ऐसा समय है कि जब आपके ऊपर कोई बड़ा पदाधिकारी आपके पर निगाह बनाए हुए है, तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो सचेत हो जाइएगा। 15 जून के बाद स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य की दृष्टि जैसी दशम भाव पर आएगी अब आपके कार्य पर निगरानी है, और जब निगरानी रहेगी तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो पकड़े जा सकते हैं, और अगर आप सही काम कर रहे हैं तो फिर उसका आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपको उसका फायदा या आपको रिवार्ड भी उसका मिलता हुआ दिखाई देगा। तो विशेषतः सावधान रहना है, गलत काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बंधन की स्थिति में भी आप आ सकते हैं। वैसे 12वें घर में शनिदेव है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस माह में है, और सूर्य की दृष्टि आपके कर्म पर है, कर्म भाव का स्वामी गुरु राहु के साथ है, तो ध्यान रखना है, गलत काम कर रहे हैं तो पकड़े जाओगे, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। खान पान का ध्यान रखना है, अन्यथा अस्पताल जा सकते हो, हॉस्पिटल वगैरह हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ का इशू आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद देखिए, अगर हम मंगल के प्रभाव को, जैसे कि धन भाव का स्वामी और भाग्य का भाव का स्वामी पंचम भाव में है, विशेषतः अच्छी स्थिति है कि भाग्य के साथ आपको पंचम से संबंधित मिल सकता है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो राहु अत्यधिक लालच के वश आप अपने संचित धन का उपयोग अपने आप शेयर मार्केट वगैरह में लगा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं शौक के हिसाब से लगा सकते हैं, अपने शौक में आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, जिसके कारण आपको दिक्कत बन सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अगर शेयर मार्केट में लगाना है तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि ये महा अब ये लालच इतना बढ़ रहा है कि जिसके कारण आप गलत तरीके से गलत जगह पर पैसा लगाकर अपना नुकसान कर सकते हैं। विशेषतः 7 जून के बाद, क्योंकि अभी आपका कंसंट्रेशन में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गुरु लग्नेश के साथ राहु भी आ गया है, बुध के साथ भी राहु है, तो बुद्धि आप बड़ी विचलन स्थिति के अंतर्गत हैं, विचलित हो रहे हैं, विचलन स्थिति के अंतर्गत हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा दिक्कत वाला तो चल ही रहा है, कि कहीं ना कहीं आपको बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भाग्य का स्वामी भी है मंगल, तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप कोई किसी तरीके का कहीं पर एडमिशन लेना चाह रही हैं किसी शिक्षण संस्था के अंतर्गत, मतलब कहीं किसी विद्यालय में, तो वहाँ पर या किसी कॉलेज के अंतर्गत अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाएगा, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर भाग्य का साथ मिल जाएगा और आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, उन चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है। विशेषतः थोड़ा संतान के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, और यहाँ पर गुप्त संबंधों में भी वृद्धि होती हुई, प्रेम संबंधों के अंदर गुप्त संबंधों में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, वो भी संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, ये रिसर्च वर्क के लिए अच्छा है, लेकिन वाहन चलाते वक्त सावधान, जैसे कि हमने बताया है, दुर्घटना होने की संभावना बनती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, विशेषतः आप अपने मित्र, बड़े भाई बहन और चाचा, इनसे संबंधों को मधुर बनाने के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे यहाँ पर, और अपना पूरा प्रभाव डालेंगे कि आपके उनसे संबंध भी मधुर हो जाएं, और साथ साथ उनके लिए आप ज़्यादा प्रयत्नशील रहेंगे, ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे, तो वो सब स्थिति वही मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर, जैसा कि मैंने बताया है कि आपका अपना दान वगैरह ज़्यादा करिएगा, अन्यथा आपका पैसा गलत जगहों पर खर्च होने की संभावना बनती है, और गलत और व्यर्थ के झगड़ों से भी आपको बचना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, बुध देखिए यहाँ पर चतुर्थेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, पहले धन भाव में हैं, धन भाव के अंतर्गत हैं,
तो यहाँ पर सप्तमेश का अपने से अष्टम जाना, ये देखिए आपको व्यापार से धन दिलवा सकता है, लेकिन उसमें भ्रम के साथ, परेशानियों के साथ, अड़चनों के साथ। साथ ही आपके पार्टनरशिप के अंतर्गत कहीं ना कहीं एक व्यापार के अंतर्गत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की तबीयत का, हेल्थ का इशू भी हो सकता है। ये संभावना 7 जून तक विशेष रहेगी, क्योंकि जब तक ये बुध अपने से अष्टम होकर राहु के साथ शनि से दृष्ट है, तो ये संभावना बनती है। अब इसके बाद अगर देखें, क्योंकि ये आपके खुशी भी है, प्रसन्नता का स्वामी बनकर भी द्वितीय भाव में, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को लेकर बड़े चिंतित, बड़े परेशान चल रहे हैं। ये प्रभाव आपकी बुद्धि के अंतर्गत बस एक यही बात चल रही है, कहीं ना कहीं परिवार को लेकर, संचित धन को लेकर दिक्कतें बात आए। वहीं उससे मुक्ति जो मिलती हुई दिखाई देगी, वो कहीं ना कहीं 7 जून के बाद थोड़ा रिलीफमेंट मिलेगा, क्योंकि बुध का प्रभाव वृषभ राशि में अपने से चतुर्थ से 12वें चले जाएंगे, और साथ ही साथ सप्तमेश भी अपने से नवम चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं व्यापार के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, व्यापारिक दृष्टि से, जैसा कि मैंने बताया भी है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा लाभप्रद सिद्ध होगा। और यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क अगर आपका है तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा, सोशल मीडिया से फ़ायदा होगा, आप एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क में है तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। फाइनेंस रिलेटेड वर्क में भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, साथ साथ कमीशन रिलेटेड काम में भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये सारी संभावनाएं भी यहाँ पर एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बुध का जो प्रभाव आएगा वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये मिथुन राशि के अंतर्गत भद्र योग का निर्माण करेंगे, जो कि पंच महापुरुष राजयोग में से एक है। 24 जून के बाद स्थिति ऐसी है कि आपको अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आ जाएंगे, और हो सकता है कि आप डबल काम अपना एक साथ चलाएं, क्योंकि लालच आपका बढ़ ही रहा है। जैसे कि हमने बताया कि कहीं ना कहीं आप एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मल्टीपल वर्क्स या दो काम तो एक साथ चलाते हुए दिखाई देंगे, या कहीं ना कहीं नए नए बिजनेस आइडिया आपको अच्छे हुए आते हुए दिखाई देंगे, वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ साथ भूमि भवन वाहन सुख की दृष्टि से भी ये समय अच्छा कह सकते हैं, 24 जून के बाद की स्थिति है। साथ साथ सप्तम भाव का स्वामी अपने से दशम सूर्य के साथ, तो व्यापार के अंतर्गत बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे 24 जून के बाद से, और साथ ही साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपके मतलब अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, अपने कर्म क्षेत्र में काफ़ी पावरफुल होता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं उसकी अथॉरिटी पावर वगैरह बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं शुक्र का प्रभाव देखें तो शुक्र जो कि तृतीयेश भी हैं, अष्टमेश भी बनकर पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ भी हैं, विशेष से आकर्षण योग का भी निर्माण करते हैं। प्रेम संबंध, और वो भी पुराने प्रेम संबंध भी आपके करीब आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक गुप्त संबंधों की ओर आप जा सकते हैं, वो भी संभावना बनेगी। और यहाँ पर कुछ गुप्त धन प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनते दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ की ओर या कुछ इस तरीके के लाभ की ओर भी आप जा सकते हैं। और वहीं शुक्र की दृष्टि आय भाव पर, विशेष आय में वृद्धि करने वाली भी रहेगी, तो ये भी संभावनाएं बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आपके जीवन के अंतर्गत, विशेष पराक्रम भाव का स्वामी बनकर पंचम में आया है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने संतान को लेकर, अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा, प्यार को लेकर भी वहाँ पर एक स्थिति देखने को मिलती है। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 7 से 9, 11 से 13, 13 से 15, 18 से 20, 20 से 23, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 1 से 3, 9 से 11, 13 से 15, 23 से 25, 28 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 1 से 3, 23 से 25, 28 से 30 को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 20 से 23, 25 से 28 को हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 3, 3 से 5, 28 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 9 से 11 को हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 15 से 18 को हो सकती है। एक बात का और ध्यान रखना है, जो शुक्र मंगल का योग पंचम भाव में बन रहा है, ये यहाँ पर मंगल और शुक्र दोनों एक्टिवेट रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके संतान या प्रेम संबंधों में दोनों ही तरीके की स्थिति, कभी वाद विवाद हो रहा है तो कभी फिर से प्यार हो रहा है, इस तरीके की स्थिति, दोनों ड्वेलिटी जो वाली स्थिति है वो दोनों बनी रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। साथ ही अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है, उपाय आपको क्या करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशी मंत्र है, 12वें घर में शनिदेव चल रहे हैं, अगर दशा भी आपके शनिदेव की, शनि की ही है, तो ये मंत्र आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा, ये आपका ध्यान रखना है आपको। साथ ही ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का आपको जप करते रहना है। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए, दान की दृष्टि से अभी समय ऐसा है कि दान दीजिए, और दान के अंतर्गत भी, क्योंकि शनि वृद्धावस्था के कारण वृद्धों को रिप्रेजेंट करते हैं, संतों को, साधु संत को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप उनसे संबंधित या गरीब व्यक्तियों या जो ऐसे व्यक्ति जो समाज से पिछड़े हुए हैं, दूर हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जिनकी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो रही है, जिनको इतनी दिक्कतें हैं, बीमार हैं, इस तरीके की स्थिति के अंतर्गत हैं, तो उन लोगों के या वहाँ पे जो आश्रम एनजीओ वगैरह अगर बने हैं, किस तरीके के आश्रम में भी
तो वहाँ पर अगर आप दान देते हैं, सेवा करते हैं, जैसा भी आपको उचित लगता है, तो फिर आपके लिए ये स्थिति अच्छी रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये भी कार्य आपको करते रहना है, साथ ही साथ स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहिएगा, जो गली में या सड़क पर कुत्ते घूमते हैं उनकी भी आपको सेवा करनी है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी। विशेषतः अभी जो समय चल रहा है वहाँ पर अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जिम्मेदारी लेकर, जिम्मेदारी का अर्थ ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक वक्त का भोजन कराते हैं तो एट द सेम टाइम हो सकता है दूसरे दिन भी व्यक्ति आपका इंतजार करे। अगर आप इस तरीके से एक सेवा के भाव से और एक जिम्मेदारी के भाव से, जो व्यक्ति का कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, अकेलापन है जिसकी ज़िंदगी के अंतर्गत, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर आपके लिए शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा ये आपको उत्तम फल देने वाला रहेगा, और अगर दशा भी है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।